नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अतुल, आप देख रहे हैं डॉक्टर अतुल हेल्थ एंड क्योर। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा तंबाकू के ऊपर। मैं आपको तंबाकू के जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं बॉडी पर उसके बारे में बताऊंगा, और मैं आपको तंबाकू जो एडिक्ट होते हैं और स्मोकिंग के जो बहुत एडिक्ट होते हैं उनसे हम कैसे बाहर आ सकते हैं उसके मैं आपको आयुर्वेदिक और होम्योपैथी मेडिसिन बताऊँगा। दोस्तों, आपको तो पता है कि टबैको में बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर पाया जाता है जिसे हम निकोटीन बोलते हैं। निकोटीन हमारे शरीर के लिए बहुत ही हार्मफुल रहता है। जैसे हम टबैको का सेवन करते हैं, जैसे हम तंबाकू का सेवन करते हैं, उसमें से निकोटीन जो होता है वो रिलीज़ होता है दोस्तों। और निकोटीन रिलीज़ होने के बाद वो हमारे मस्तिष्क में जाके एक हार्मोन होता है जिसे हम एड्रेनालिन बोलते हैं, उसको सिक्रीट करता है दोस्तों। जब एड्रेनालिन सिक्रीट होता है तो हमारा ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, हमें पैरालिसिस जिसे हम स्ट्रोक बोलते हैं वो आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, हमें बीपी की बीमारी हो जाती है। और अगर हम तंबाकू को स्मोक करेंगे, मतलब सिगरेट के रूप में अगर हम इसका सेवन करते हैं, तो उसमें से जो बहुत जहरीले कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होते हैं हमारे ब्लड में, और वो हमारे सेल्स के साथ में मिक्स हो जाते हैं दोस्तों। जब वो हमारे सेल्स के साथ में मिक्स हो जाते हैं तो जो चर्बी होती है हमारे ब्लड में उसकी मात्रा इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि आपको हार्ट अटैक, आपको लंग का प्रॉब्लम, लंग डिसऑर्डर जैसे कि ब्रोंकिक्स्टेसिस हो गया, COPD हो गया जिसे हम कोरोनरी ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज बोलते हैं, फिर जैसे कि रेस्पिरेटरी डिजीज़ हो गया, ARDS, अक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम जिसे हम बोलते हैं, लंग्स में जितने भी आपके छाती में, आपके फेफड़े में जितने भी डिजीज़ होते हैं, इन कारणों के वजह से होते हैं, सिगरेट पीने की वजह से। हमने ये भी देखा है कि अगर हम जो तंबाकू होते हैं बहुत देर तक उससे अगर हम चबाते रहते हैं तो उसमें से जो केमिकल्स होते हैं वो हमारी जो कोशिकाएँ होती हैं, जो हमारे जबड़े की कोशिकाएँ होती हैं, उन्हें मारना स्टार्ट करते हैं दोस्तों। और फिर मारने के बाद वो एक गांठ का रूप ले लेती हैं जिसे हम कार्सिनोमा ऑफ माउथ भी बोलते हैं, एक गांठ भी, कैंसरस गांठ भी बोलते हैं, जो आगे चल के बहुत ही डेंजरस होती है और लाइफ थ्रेटनिंग होती है, जिसे हमें ऑपरेशन कराना पड़ता है दोस्तों। बताओ, तंबाकू अगर हम छोड़ना चाहते हैं तो उसकी लत हमें कैसे होती है, इसके मतलब हमें बैड इफ़ेक्ट्स हमारे बॉडी में कैसे होते हैं? बिकॉज निकोटीन के इतने टॉक्सिन्स हमारे बॉडी में जमा हो जाते हैं कि जैसे हम इसे छोड़ने लगते हैं हमें एक विड्रॉल सिम्टम देखने को मिलता है। मतलब एक बोलते हैं ना, लत लगता है, और लत लगने के बाद अगर नई चीज़ मिल रही तो हम कैसे चिड़चिड़ाहट हमें होने लगती है, वही सब लक्षण हम देखने को मिलते हैं दोस्तों। तो सबसे पहला लक्षण ये होता है कि अगर आप तंबाकू खाना छोड़ देते हो या सिगरेट पीना छोड़ देते हो तो डायरेक्टली आपके मस्तिष्क में एक थ्रॉम्बिंग पेन, मतलब बोलते हैं एकदम फट जाएगा आपका सर, वैसा आपको दर्द होना स्टार्ट होता है, आपका जो जी रहता है वो आपको अजीब सा लगता है, जी मचलाता है, आपको उल्टी जैसा लगता है, पेट में दर्द होना स्टार्ट होता है, ऐसा लगता है पेट में से कुछ तो गोला आपको निकल रहा है, क्रैम्प्स पेट में आना स्टार्ट हो जाते हैं दोस्तों, आपके हाथों पैरों में एकदम झुंझुनाहट जैसी महसूस होने लगती है, आपके पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है, आपका कुछ कार्य करने में इच्छा नहीं लगता। तो ये सब इसके विड्रॉल सिम्टम्स है अगर हम टबैको या सिगरेट स्मोक करना छोड़ते हैं दोस्तों। तो अब चलो मैं आपको एक अच्छी होम्योपैथी मेडिसिन बताता हूँ जो आपको हेल्प करेगी। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी बोला था कि मेडिसिन के हेल्प से आप अपने डिजीज़ को ठीक तो कर सकते हैं, बट अल्कोहल हुआ या तंबाकू हुआ या स्मोक या स्मोकिंग सिगरेट हुआ, उसको छोड़ने के लिए आपके अंदर का विल पावर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होना चाहिए। अगर आपके पास विल पावर नहीं है तो मेडिसिन कितने भी अच्छी तरीके से ऐड करती है उसका कोई यूज़ नहीं है दोस्तों। तो सबसे पहले जो सबसे अच्छी मेडिसिंस है होम्योपैथी में सब स्मोकिंग के लिए एंड तंबाकू के लिए, वो है प्लेंटैगो। प्लेंटैगो मदर टिंचर अगर आप 20 बूंद आधे कप पानी में दिन में 3 बार लेते हैं तो आपके जो क्रेविंग की लत होती है वो टोटली ख़त्म हो जाएगी दोस्तों। दूसरी सबसे अच्छी मेडिसिन है वो डेफिनी इंडिका है दोस्तों। डेफिनी इंडिका मदर टिंचर को अगर आप आधे कप पानी में 20 बूंद दिन में 3 बार लेते हैं तो जैसे कि आपको नींद नहीं लगती है, आपका जो सर दर्द है, जो आपका सर फटा जाता है, आपके पेट में एक गोले जैसा आता है, आपका जी मचलाता है, वो सब टोटली ख़त्म हो जाएगा। जो तीसरा सबसे अच्छा ड्रग है वो है नक्स वोमिका। नक्स वोमिका 30 को अगर आप 5-5 बूंद आधे कप पानी में दिन में 3 बार लेंगे 15 दिनों के लिए तो आपका जो ये टॉक्सिन्स है बॉडी का, नक्स वोमिका सबसे अच्छा ड्रग माना गया है टॉक्सिन्स को बाहर निकालने के लिए। तो जो सिगरेट, जो तंबाकू, इसके जो टॉक्सिन्स बॉडी में जमा हो जाते हैं निकोटीन, उसे मारने में बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होता है। अगर आप नक्स वोमिका 30 5-5 बूंद आधे कप पानी में दिन में 3 बार लेंगे तो आपके जो टॉक्सिन्स है शरीर में बाहर निकल जाते हैं दोस्तों। चौथा बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग्स है वो है कैलेडियम। कैलेडियम भी वैसा ही काम करता है जैसे डेफिनी इंडिका काम करता है। कैलेडियम
का सेवन करने के कुछ दिनों बाद ही आप तबैको और सिगरेट स्मोकिंग से इतनी ज़्यादा नफरत करने लगेंगे, आपको इतनी ज़्यादा नफरत होने लगेगी, जैसे आप तबैको खाने की कोशिश भी करेंगे आपको वॉमिटिंग हो जाएगा। तो कैलाडियम मदर टिंचर को 20 बूंद आधे कप पानी में दिन में 3 बार लेना है तो आपका जो ये लत है वो टोटली ख़त्म हो जाएगा दोस्तों। एक मेडिसिन होता है एकोनेटम नेपालिस। एकोनेटम नेपालिस को मोस्ट ऑफ हम अगर ज़्यादातर आपको ऐसे सपने आ रहे हैं, हेलुसिनेशन जिसे बोलते हैं, कि मतलब आपको अजीब से सपने आते हैं, आप बार बार उठ के चौंक जाते हो, आपको हेडेक की बीमारी होती है, आपको कोई भी काम करने में इच्छा नहीं होती, तो आपको एकोनेटम नेपालिस आपको 30 पोटेंसी में 5 बूंद आधे कप पानी में दिन में 3 बार देना चाहिए। तो आपके जो नाइटमेयर्स हैं, जो सपने आपको बहुत ख़राब आते हैं, बहुत बार कैसा होता है कि जो ये तबैको छोड़ते तो उनको सपना आना शुरू हो जाता है, गंदे गंदे नाइटमेयर्स आते हैं, तो अगर वो लक्षण आपको मैच होते हैं तो आप एकोनेटम नेपालिस लीजिए, आपका जो ये मस्तिष्क का प्रॉब्लम है टोटली ख़त्म हो जाएगा। और लास्ट का सबसे इंपॉर्टेंट मेडिसिन है वो इग्नेशिया है। इग्नेशिया 1 mg आपको 2 बूंद सिर्फ हफ्ते या महीने में एक एक बार लेना है। 2 बूंद महीने में लीजिए, हफ्ते में एक बार लीजिए 2 बूंद। इससे क्या होगा कि जो मेंटली डिसेबिलिटी है आपकी, जैसे बार बार आप सोचोगे नहीं मुझे तबैको खाना ही है, मुझे क्रेव हो रहा है, तो वो आपके दिमाग से टोटली फ्लैश आउट होकर निकल जाएगा। तो ये तो बात हो गई होम्योपैथी की, तो चलिए अब आयुर्वेदिक की बात करते हैं। जैसे कि आयुर्वेदिक स्टोर्स में अगर आप जाते हो तो आपको धूमपान करने के सिगरेट्स मिलते हैं, वो आयुर्वेदिक सिगरेट्स होते हैं दोस्तों। वो आप आयुर्वेदिक स्टोर पर जा सकते हो और मुझे आप बोल सकते हो उनको कि मुझे धूमपान करना है, मुझे वो सिगरेट चाहिए, तो आयुर्वेदिक सिगरेट्स आप ले सकते हो। तो आपकी जो स्मोकिंग की इच्छा है वो तो अंदर ही रहेगी, आप उससे वो जो स्मोक आप करते हो वो आयुर्वेदिक औषधि आपके फेफड़ों में जाएगी, वो टॉक्सिन सारे बाहर निकाल देती है दोस्तों। आयुर्वेदिक के मेडिसिन मैं आपको बता रहा हूँ, आपको शुंठी लेना है, मतलब जो जिंजर होता है ड्राई जिंजर आपको लेना है, आपको हल्दी लेना है 5 ग्राम, 5 ग्राम डाई जिंजर लेना है और आंवला 5 ग्राम लेना है, इसको मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम को दूध के साथ में लेना है। दूसरा जो बहुत अच्छा ड्रग होता है वो त्रिफला चूर्ण है। त्रिफला चूर्ण को आप 2 चम्मच सुबह शाम लीजिए गुनगुने पानी के साथ में और आपके बॉडी के जो टॉक्सिन्स है वो मर जाएंगे दोस्तों। तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट ड्रग अपने आयुर्वेदिक में बताई गई वो आरोग्यवर्धिनी मट्टी है। आरोग्यवर्धिनी को अगर आप दो गोली सुबह शाम लेंगे तो जो आपके बॉडी के टॉक्सिन्स हैं वो टोटली मर जाएंगे दोस्तों। अगर आपको तंबाकू खाने की इच्छा बहुत ज़्यादा होती है तो आप एक जिंजर मतलब अदरक का टुकड़ा आप ले लीजिए और आप उसको चबाते रहिए, तो जो आपका जो लत है ना तंबाकू चूसने का और खाने का वो टोटली ख़त्म हो जाएगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि ये जो वीडियो मैंने आपके लिए बनाया है वो आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, मैं आपको कोशिश करूँगा अच्छे से अच्छा रिप्लाई कर सकूँ। टिल देन बाय, टेक केयर।